तो आप सभी लोग अगर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम में कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, किस क्षेत्र से लोग हों जिसमें आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इसकी पात्रता क्या है, इसमें आयु सीमा क्या है, भूमिका और उत्तरदायित्व क्या है, और इसी के साथ में इसमें क्या वेतन मिलेगा और इसमें आपका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, अवकाश एक वर्ष में कितने दिन का मिलेगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन का परीक्षण कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगी और इसका इंटरव्यू कैसे होगा, कितने अंक की मेरिट होगी, कितने अंक का इंटरव्यू होगा, ट्रेनिंग कैसे कहाँ क्या होगी, किस संस्थान के द्वारा और कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी और कौन कौन सी महत्वपूर्ण शर्तें हैं और क्या कुछ है, सारी जानकारी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ बोल रही हूँ, लेकिन आपको कैसे मिलेगा और कैसे इसको पढ़कर आप खुद जान पाएंगे इसमें क्या कुछ लिखा है। तो ये लेटर आपको कहाँ से डाउनलोड करना हम आपको बताने वाले हैं। नीचे आप देख सकते हैं जिन जिन जनपदों में वैकेंसी निकली हुई है, ये सारे जनपदों की पूरी लिस्ट है, इसको भी आप अपने ही मोबाइल पर देख सकते हैं। तो ये अब हम आपको बताने वाले हैं कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ आपको गूगल में आ जाना है, क्रोम पर गूगल में सर्च करना है आपको CM फेलोशिप upsdc.nic.com, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा और देखिए इसी पेज पे हम लोग जो है फॉर्म अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं। ये आपको बताया था मैंने, यहाँ पे इस तरह यहाँ से प्रोसेस करके फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए फॉर्म भी यहीं से भरना है और यहीं से आपको ये डाउनलोड करने को मिलेगा। तो डाउनलोड कैसे करना है, दिशा निर्देश ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी में आपको करना है, हिंदी पे क्लिक करेंगे ठीक है, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप आराम से अपने मोबाइल में देख सकते हैं।